हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे गांव के आसपास कितने सारे पिकॉक्स हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब अर्ली इन द मॉर्निंग सब गांव के बाहर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलो या खेतों की तरफ जाओ तो आपको चारों तरफ पिकॉक के झुंड दिखते हैं। वैसे कहा जाता है पिकॉक हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जैसे ही विंटर खत्म होती है और गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो उस समय ये सारे पिकॉक्स मोर और मोरनी, खासकर मेरे एरिया में, तो वैसे हिंदुस्तान में बहुत कम एरिया बचा है जहां पर अभी भरपूर और मजेदार पिकॉक्स की संख्या है। तो हमारे यहाँ जैसे ही मॉर्निंग टाइम पे बाहर निकलो तो चारों तरफ खेतों में पिकॉक्स की बाहर आई रहती है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग नजर आने के कारण क्या है कि ये ज्यादा तेज धूप सहन नहीं कर सकते, जिसके कारण इस तरीके से जो झाड़ियां होती है ना उनके आसपास होते हैं या तो या झाड़ियों में अंदर घुसे होते हैं या ऊपर जाके किसी पेड़ पे बैठ जाते हैं। लेकिन हाँ, जब ठंडा मौसम होता है तो ये अपना दाना पानी चुगने के लिए आसपास के, जैसे गांव के आसपास मकानों के ऊपर और खुले मैदान में आपको आराम से घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो इस राष्ट्रीय पक्षी को यदि आपके एरिया में भी आप चाहते हो बहुत सारा बढ़ाना है तो प्लीज इसके लिए वातावरण तैयार करें ताकि आपके एरिया में भी पिकॉक्स भरपूर हों। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।